चैनल है यूट्यूब वाले, इतनी बड़ी गाली गलौज से चल रही है। मैं आप में कल रात को मैं 2:30 बजे मेरी आंख खुल गई और मैंने ऐसे ही अपना यूट्यूब खोल दिया। 2-3 जगह लाइव चल रही है, रात के 2:30-3 बजे तक लाइव ये चल रही है। गुलाम हैदर ने ये बोला, सीमा हैदर ने ये बोला, वो औरतें महिलाएं कुछ मर्द भी जुड़े हुए हैं रात को। अरे भाई तुम क्या दिखा रहे हो, वो उसको गालियां दे रहा, ठीक है तुम्हारे चैनल चल रहे हैं जिस तरह से तुम दिखा रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सच्चे दिल से जो चैनल वाला, एक गुलाम हैदर की बात जो रखने वाला है, उन चैनल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि जो सच्चे दिल से अपने चैनल पे गुलाम हैदर को दिखाया है, सच्चे दिल से उसकी जिसने मदद की है, सच्चे दिल से जिसने उसका गुलाम हैदर का पक्ष रखा है, मैंने सूर्य वर्मा ने भारत में सच्चे दिल से रखा और हमारे मीडिया वालों ने भी रखा, लेकिन जिस तरह से और भी अपने चैनल ऐसे थे कि उन्होंने उसका किस तरह से उसका पक्ष रखा, मैं कहूंगा उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिसका गुलाम हैदर एक गरीब इंसान का पक्ष रखा, और उनकी गुलाम हैदर की जीत नहीं ये उनकी जीत होगी, उनके अपने चैनल की जीत होगी जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई है, और मैं कैसे उसको सजा होगी ये अभी उनके जो वकील हैं वो है करेंगे। और जिस तरह से मैंने जो बात उठाई है, तो आप लोग चैनल आते हैं मुझसे बात पूछते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ये आपने पूछा कि उनके वकील हुए हैं, तो मैंने फिर भी आपको बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं दी हैं कि जो मोमिन मलिक जी हैं उन्होंने एक केस भी पहले भी था वो सफल हुए थे उस केस में, तो ये बहुत ही मतलब एक उनकी शुभकामनाएं उनको। और मैं तो ये कहूंगा कि आगे जो भी कार्य हो सीमा हैदर पर, मैं कह रहा हूँ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। एक पिता के जो बात रखी, एक पिता का सम्मान हमने रखा है, हम उसको हमेशा इसको रखेंगे। और आज उन्होंने आज चैनलों पे कैसी भरमार आई है सुन, और वो उन्होंने जिस तरह से मोमिन मलिक जी को अपना वकील हायर किया है भारत के अंदर, ये बहुत ही अच्छे वकील हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये अपनी पूरी इसमें ताकत लगाएंगे और बच्चों को उसकी जो कस्टडी है उसको गुलाम हैदर को, इसकी कस्टडी उनको दी जाएगी। और ये केस अभी थोड़ा शायद मैं कहूंगा कि जो मोमिन मलिक जी हैं उन्होंने वो वहाँ पर अपनी उनकी अर्जी डाल दी कोर्ट में, समझ रहे हो आप। एक हर कोर्ट में कोई बात होती है तो एक गवाह की जरूरत होती है कि गवाह के तौर पे मैं बिल्कुल गुलाम हैदर का पक्ष रखूंगा, और मैं मोमिन मलिक जी को कहूंगा कि अगर आपको मैं इसके खिलाफ बिल्कुल सख्त, सीमा हैदर के खिलाफ सख्त से सख्त बोलूंगा, सचिन के खिलाफ सख्त से सख्त बोलूंगा, ठीक है। और देखते हैं एपी सिंह उनका वकील है, क्योंकि देखिए ये इलीगल रास्ते से आई है, देश के अंदर एक ऐसी उसने छाप छोड़ दी जिससे हमारे देश पर बहुत असर पड़ा, हमारे देश में बहन बेटियों पर असर पड़ा, हमारे भगवान के प्रति भी बहुत असर पड़ा। जिस तरह से वो एक बार नवरात्रों में जिस तरह से वो हरकतें कर रही थी वो बात मैं नहीं भूल सकता, उसने दिखाया था भाई वो तीसरा नवरात्रों में वो उसको साथ क्या हरकत कर रही थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गुलाम हैदर को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे जो उन्होंने वकील किए हैं मोमिन मलिक जी। अभी तो मेरी उनसे अभी नहीं बात अभी नहीं हो पाई है, बट ये है मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, उन्होंने अपना एक केस गुलाम हैदर जिस तरह से अब आप देखा जा रहे हैं कि आज क्या नाम है 14 फरवरी है जी, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं हम अपना, कुछ अपना शहीदी दिवस हमारे जो है ब्लैक डे मना रहे हैं, तो देखो ठीक है जो भी है, और बसंत पंचमी भी है आज जी। बहुत हाँ और अच्छे, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से मैंने सुना है कि वो एक अपना कार्यक्रम कर रहे हैं शादी का सीमा हैदर वाले की, मैं कहूँगा कि इस तरह से वो कोई शादी वादी नहीं है उनकी, वो एक एलिमिनेशन वाला मामला बना हुआ है और वो मुकदमा उसके ऊपर है, कोर्ट कचहरी में है और उसको सजा होने वाली है, ये पूरी दुनिया सुने, अपना के वकील किया है। और वो गुलाम हैदर वो बहुत ही तेजी से इस मामले को अब वो गंभीर है, और हम भी चाहते हैं कि एक पिता की बात हमने रखी और उसने हमारी बात गुलाम हैदर ने बात समझी, और मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर भारत आए, अपने बच्चों की जो लड़ाई लड़े आपके वकील के माध्यम से, और जो कानून हमारा संविधान करेगा, जो हमारा भारत सरकार करेगी वो सर्वप्रिय होगा,
क्योंकि भारत सरकार ने बात सुनी है, एक पिता की बात सुनी है, एक गुलाम हैदर की बात सुनी है। सर अभी उनको वीजा मिलने में कितना समय लग सकता है? देखिए वीजा जो है, वीजे की जो प्रक्रिया है वो जो उनके जो वकील है, पहले देखिए मैंने एक वादा किया था कि भाई मेरे पास भी वकील होगी, कोई हमारे यहाँ सब वकील है, मेरे मित्र है, जानने हैं, मेरे क्लास फेलो है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र है, लेकिन उन्होंने अपना वकील किया, मुझे किसी तरह का कोई वो नहीं है। बहुत है, अच्छी बात है उन्होंने जो वकील किया है, और इसमें वीजे की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो रही है। वो एक मैं जो उनके वकील है मोमिन मलिक जी, मैं उनसे भी अभी आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें, और हमें भी हमसे लाए हमारे लायक भी कोई सेवा हो या कोई ऐसी प्रस्ताव हमसे मिलने का हो तो हम हमारे सूर्य वर्मा कभी भी आप याद कर सकते हो, और मैं आपसे बात भी करूंगा मोमिन मलिक जी से, और मैं उनसे मिलूंगा भी, और कुछ जो जानकारियां हैं कुछ वो है, तो दोनों तरफे की बातों को मैं यहाँ पे रखूंगा। अगर वो मुझसे मिलना चाहेंगे तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा, ऐसी बात नहीं है। अगर वो देखिए हर इंसान को एक गवाह की जरूरत होती है जी, ये सुनने में आया है कि अपनी वर्जी जो उन्होंने अर्जी है गुलाम हैदर की वो डाल दी है, ये हमने सुनने में आया है, और मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जो आवाज उठाई है वो बहुत दूर तक पहुंची, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा गुलाम हैदर को, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा उनको, उनके वकील को, कि जिस तरह से ये केस इस तरह से बढ़ा, ये समय जो गुजरा और हम जैसे लोगों ने आवाज उठाई, तो इस आवाज को सभी ने सुना है। अभी जो मामला है अभी का दूंगा कि उन्होंने जिसका गुलाम हैदर एक गरीब इंसान का पक्ष रखा, और उनकी गुलाम हैदर की जीत नहीं, ये उनकी जीत होगी, उनके अपने चैनल की जीत होगी, जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई है। और मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर भारत आए, अपने बच्चों की जो लड़ाई लड़े आपके वकील के माध्यम से, और जो कानून हमारा संविधान करेगा, जो हमारा भारत सरकार करेगी वो सर्वप्रिय होगा, क्योंकि भारत सरकार ने बात सुनी है, एक पिता की बात सुनी है, एक गुलाम हैदर की बात सुनी है। देखिए नवरात्र फिर हमारी माता का भी अपमान करा उसने, तो मैं मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, जो अगर ऐसी मुझे बात मिलेगी मेरे को भी तो वो कोई सुंदरकांड का पाठ देखिए वो किस तरह पाठ करा रही है, ठीक है अच्छी बात है, जो भी उनकी बात है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो देखते हैं। लेकिन क्या है जो जिस तरह से मैं मुद्दा वो अगर मैं कहूंगा कि अगर मोमिन मलिक जी हैं, अगर किसी भी तरह से गवाह के तौर पे या किसी भी मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मैं गुलाम हैदर के पक्ष के लिए हमेशा खड़ा हूँ। अभी उनको वीजा मिलने में कितना समय लग सकता है? देखिए वीजा जो है, वीजे की जो प्रक्रिया है वो जो उनके जो वकील है, पहले देखिए मैंने एक वादा किया था कि भाई मेरे पास भी वकील होगी, कोई हमारे यहाँ सब वकील है, मेरे मित्र है, जानने हैं, मेरे क्लास फेलो है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र है, लेकिन उन्होंने अपना वकील किया, मुझे किसी तरह का कोई वो नहीं है। बहुत है, अच्छी बात है उन्होंने जो वकील किया है, और इसमें वीजे की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो रही है। वो एक मैं जो उनके वकील है मोमिन मलिक जी, मैं उनसे भी अभी आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें, और हमें भी हमसे लाए हमारे लायक भी कोई सेवा हो या कोई ऐसी प्रस्ताव हमसे मिलने का हो तो हम हमारे सूर्य वर्मा कभी भी आप याद कर सकते हो, और मैं आपसे बात भी करूंगा मोमिन मलिक जी से, और मैं उनसे मिलूंगा।